तुमने मेरे पिछले ब्लॉग में देख ही लिया होगा कि मैं लंदन आ चुका हूँ, तो ये उस ट्रैवल ब्लॉग का सेकंड पार्ट है। ये थोड़ा सा छोटा व्लॉग होगा, इसको तुम मिनी व्लॉग भी मान सकते हो, क्योंकि मैंने एक दिन बीच में मिस कर दिया था, उसको कवर अप करने के लिए मैं ये वाला व्लॉग डाल रहा हूँ। होपफुली तुम्हें ये भी पसंद आए। इसकी भी खराब है व्हील बैलेंसिंग। यहाँ भी आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है यार, पूरी लंबी लाइन यार, बहुत सारे लोग हैं भाई। इमिग्रेशन तो हो गई, अब अपने बैग उठा लिए जाए, तो ट्रॉली लेनी है। चलो तो भाई जाम लगाया गाड़ियों का। भाई एक बैग तो आ गया, ये जो आएगा ये मेरा बैग है। भाई कैब बुक करा दी है, 7-8 मिनट में आएगी। इतने कुछ खाने पीने का लूँगा, मतलब पीने का लूँगा, बस घर जाके खाना मंगाऊंगा। और हमें जाना है शॉर्ट स्टे कार पार्क में। देख, एक तो भाई मैं ड्रिंक शिंक कर रहा था कि ड्रिंक लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, पानी लिया है। दूसरा क्या भाई, मैं दो कैब करा ली, एक बोल्ट ऐप से कराई जो कि थोड़ा सस्ता देती है, इसलिए उससे कराई। पर वो बस अपने टाइम इंक्रीज कर जा रहे हैं, धीरे धीरे रेट इंक्रीज कर रहे हैं। और फिर बुक करने के बाद, पैसे काटने के बाद कर देते हैं कि सारे ड्राइवर बिजी हैं। अरे काटने के बाद क्यों कर रहे हो, ड्राइवर एक्सेप्ट करने के बाद करो, फिर उनके रिफंड का वेट करते रहो। तो मैं तो दुखी हूँ, ऊबर ही कर लिया। ऊबर और 20 पाउंड महंगी है, 50 की दे रहा है, पर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम से घर पहुँचे, ये बकवास थोड़ी चलता है। चाबी होनी चाहिए यहाँ पे, पता नहीं मेरे दोस्त ने कहाँ दबा दी यार चाबी, ये रही चाबी मिल गई। ये स्वागत किया लंदन ने बारिश के साथ, दुखी हो गया मैं। तो भाई वापस पहुँच गया अपने कमरे में, वो दिख रहा है पीछे शीशे में, और बस भाई सो रहा हूँ। जस्ट किडिंग ब्रो, जस्ट किडिंग, यू वुडंट नो दिस व्लॉग लाइफ। अब जो जहाज में आए हो, व्लॉग भी तो एडिट करना है कल के लिए, तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। और तुम 1000 सब्सक्राइबर नहीं करवा पाए मैं जनवरी में, बेशरम बेहया। नहीं यार चलो, पर जो जब गया बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, होपफुली इसी तरीके से ग्रोथ हो और जल्दी हो जाए यार। तो अब मैंने सोचा आज खाना वाना तो क्या ही बनाऊँ, तो मैंने पिज्ज़ा मंगा लिया है, पूरा खा जाऊँ अकेला, कोई टेंशन की बात नहीं। बढ़िया अपनी गार्लिक डिप है, ये डिप डिप करके खाओ, ऐश करो। तो घर आया तो थोड़ा सा नक्शा बदला मिला कि ये सोफ़ा इधर, वो चेयर इधर, और ऐसे ऐसे एक हाउस मेट ही एक चेंज हो गया है, तो एक वो नई चीज़ मिली, और बाकी तो अभी इतना ही है भाई। आखिरी पीस बचा है, ये तो थोड़े से एक्स्ट्रा वो है, आखिरी पीस है, पेट फटने को हो रहा है, पर इसको भी ख़त्म ही कर देते हैं भाई। रात के 11:15 हो रहे हैं, तो मैं तो जा रहा हूँ सोने, क्योंकि बिल्कुल ऐसी हो रखी है बॉडी की, भाई प्लीज़ सो जा, प्लीज़ सो जा, प्लीज़ नींद पूरी कर ले। तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के जिम की बजाय कल व्लॉग एडिट कर लूँगा, एक दिन का और जिम का रेस्ट कर लेता हूँ, वरना शाम को जिम चला जाऊँगा, लेकिन अभी तो सोना ही पड़ेगा।